आसनसोल नगर निगम चुनाव के बाद ईवीएम मशीन को आसनसोल के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में बंद रखा गया था। इसके बाद मतगणना से पहले विरोधियों ने रात में सीसीटीवी कैमरा बंद होने का आरोप लगाया था। इस दौरान विरोधियों ने मतगणना केंद्र के बाहर जमकर हंगामा भी मचाया था। वहां जमा भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी थी। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से वीडियो फुटेज इकट्ठा कर कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर, एसएम मुस्तफा, भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता सहित 32 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा प्रारंभ किए गए इस मामले के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। एक ओर जहां विरोधी से दमनकारी नीति बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल इसे प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने सत्ताधारी दल और पुलिस पर जमकर निशाना साधा। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इसको ये कह सकते हैं जुल्म का, जिसको इंतहा कहते हैं ना, ये जुल्म का इंतहा है। आप इलेक्शन में कोई ऐसा हरबा नहीं छोड़ा, हर हरबा आप इस्तेमाल किया, पैसा बांटा, पुलिस का इस्तेमाल किया, गुंडे का इस्तेमाल किया, हर हरबा आप इस्तेमाल किया, लेकिन ऊपर वाले के आगे आप नहीं चले। देख रहे हैं कि इनका जुल्म किस हद तक हो सकता है। अरे डेमोक्रेसी है, लोगों को वोट देने का इख्तियार है, लोग वोट देंगे। आप कैंडिडेट को किडनैप करके बंद कर दे रहे हैं, दरवाजा बंद करके ठप्पा वोट दे रहे हैं। अरे भाई इतना सारा आप ही बोलते हैं कि इतना सारा हम स्कीम चला रहे हैं, इतना सारा हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, ये बनाया, वो बनाया। क्या पब्लिक के दिल में जगह नहीं बना पाए कि उनको डेमोक्रेसी जो इख्तियार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इख्तियार देता है, वो वोट नहीं दे सकता है? आप उसका वोट छीन लीजिएगा, ये तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिन में एमपी इलेक्शन आ रहा है, आप उसका जवाब देखेंगे। लोग निकलेंगे सेंट्रल फोर्स के सामने और मुस्कुराते हुए जाके आपके खिलाफ वोट देकर के आएंगे, ये मुझे मुकम्मल यकीन। बिल्कुल इन बे इंतहा, इसका कोई इंतहा नहीं कि मेरे मुखालिफ में कोई खड़ा हो जाए, मेरे मुखालिफ में कोई बोलने लगे तो हम उसको जिंदा रहने नहीं देंगे। बस यही तो फॉर्मूला है। चाहे पुलिस को हम प्रेशराइज करके केस करेंगे, नॉन अवेलेबल सेक्शन देंगे, अरे केस करो, जेल भेजो, मार दो, तुम मार दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारे जुल्म के खिलाफ आवाज उठती रहेगी, उठती रहेगी, उठती रहेगी, इंशाल्लाह। तो डर हो गया है? बेशक बेशक, आज करा ले ना, आज करा ले और देख ले नतीजा कि वो कहां पे खड़े। आज करा ले और देख ले नतीजा कि वो कहां पे खड़े। लोगों के अंदर मोहब्बत के बजाय नफरत से दिल नहीं जीता जा सकता, प्यार से दिल जीता जा सकता है। पुलिस के जुल्म को देकर के किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। ये इंतहा है जो लोग देख रहे हैं, ये किस इंतहा तक आप जा सकते हैं। और हम लोग भी तैयार हैं आपके हर इंतहा का मुकाबला करने के लिए।